Barun and the entire team of Tu Hai Mera Sangi, because when you all see the movie, you all will understand why we are saying the entire team. It is such a fabulous film, from the casting to the direction to everything. So we wish, I don't think they need the luck. I think they have that with such a great film. Just fingers crossed. Aap dekh ke aa chuke film? Ji, dekh ke aa chuke. Aapko kaisi lagi Rakesh? बहुत दिनों बाद ऐसी फिल्म देखी है. आजकल जो दौर चल रहा है कि कमर्शियल फिल्म्स जो आ रही है बाहर, एंड आई एम नॉट गोना से द नेम ऑफ द फिल्म, स्पेशली आफ्टर व्हाट आई सॉ यस्टरडे बिफोर, आई थिंक इट्स अ ग्रेट रिलीफ. और वरुण, और व्हाट डिड यू सी यस्टरडे बिफोर? गाइस कम ऑन, कंटिन्यू. ओके, वरुण, और सिर्फ वरुण ही नहीं, बाकी सब लोगों ने इतना अच्छा काम किया. आई थिंक इट्स अ स्लाइस ऑफ लाइफ, एक रिलेटेबल, हम सब रिलेट कर सकते हैं हर कैरेक्टर के साथ. हमारे साथ होता है, बॉम्बे में रहते हुए जगह नहीं है खेलने के लिए फुटबॉल, तो आई थिंक इट्स अ वेरी रेलेवेंट टॉपिक. और वरुण हैज किक्ड सम एस इन दिस फिल्म. आई थिंक ही हैज डन अ ग्रेट जॉब. आई एग्री विद ऑल ऑफ देम. एक्चुअली द बिगेस्ट थिंग दैट व्हेन वरुण वाज, जब वरुण ने इस मूवी के बारे में बात की थी काम शुरू करने से पहले, तो मैंने उससे बस एक ही चीज़ बोली थी कि ये स्क्रिप्ट बहुत सिंपल है, इट्स अ वेरी सिंपल स्टोरी. और सब मैटर करता है कि डायरेक्टर, ही वाज अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, एंड वो कैसे इस फिल्म को बनाते हैं. एंड आई थिंक आई वाज सेकेंड हाफ तक, मैं आई एम जेन्युइनली सेइंग दिस, दैट आई वाज एक्चुअली सिटिंग एट द एज ऑफ माय सीट, और मैं यही कह रहा था कि फैबुलस, हर एक्टर ने इतना सही काम किया है. मैं वरुण की बात ही नहीं करूँगा, मैं वरुण की बात ही नहीं करूँगा, मैं बाकी सब की बात करूँगा. The casting was so brilliant. It was so, everybody was so real. The movie was so realistic. Guys, just go and watch it. Yeah, seriously, just go watch please it. Please go like, and watch it. Understand what we are saying. I mean, I was just. हमारी टीम भी इंडस्ट्री एक और अभिनेता बड़े पर्दे पर है. इसका गुड नथिंग पिक्चर हैपनिंग फॉर टीवी के एक्टर्स इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट रोल्स. यार, ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे टीवी इंडस्ट्री से कोई फिल्म में लोग काम कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड. बहुत लोगों को आगे भी मौका मिलेगा, सो इट्स एक्चुअली गुड कि कोई टीवी से काम कर रहे हैं. मैं बता रहा हूँ, हमारे टीवी में बहुत अच्छे एक्टर्स है, इट्स जस्ट दैट कि कभी इट्स नॉट ईजी टू गेट फिल्म, यू नो, मौका ईजिली मिलता नहीं है. तो बहुत अच्छी बात है कि अगर टीवी से लोग फिल्मों की तरफ जा रहे हैं. And especially I think a film like that, if you see it, you would, लोग कहते हैं, लोगों को लगता है कि टी वी इज़ ओवर द टॉप, एक्टर्स एक्ट ओवर द टॉप. यू ऑल मस्ट सी दिस फिल्म टू अंडरस्टैंड हाउ टी वी एक्टर्स एक्टेड इन इट. सो रियलिस्टिक, सो सटल. सो आई एम नॉट, वी आर नॉट गोइंग टू कीप टॉकिंग अबाउट टी वी एंड फिल्म, बिकॉज वी आर एक्टर्स, वी डोंट बिलीव इन दैट बैरियर. बट इट्स ग्रेट, आई एम सो हैप्पी दैट दिस इज़ हैपेंड फॉर वरुण, एंड दिस इज़ सच अ फैबुलस फिल्म, एंड जस्ट ऑल द बेस्ट. वरुण ऑब्वियसली हमारा सबका, आज तो वही है. बट आज का, आज का, आज के लिए संडे सब. आज वरुण, वरुण माय एवरीडे, एंड वरुण इज आवर संडे. नो, ही इज नॉट संडे, इज बेबी फूड. कम ऑन, नो, वरुण, नो, ही, दिस वन इज संडे. आई एम सेइंग ही इज माय एवरीडे संडे बेबी, एंड वरुण इज आवर संडे. अगर आज का नहीं हो तो फिर आपका संडे कौन रहता है? हमारा तो अगर क्या, आपका संडे, हाँ, वैसे नॉर्मली कौन होता है आपका सर? रोज और संडे, पूछने वाली थोड़ी ना बात है यार, सबको पता है क्या क्या होता है, कौन संडे होता है. आई थिंक राकेश भाई पेंटिंग, पेंटिंग जी, मेरे तो बहुत सारे संडे हैं, ऐसा एक नहीं, एक संडे हो नहीं सकता कभी. हर दिन संडे है मेरे. आई डोंट थिंक दैट्स द आंसर ही वाज लुकिंग फॉर, आई एम नॉट गोइंग टू गिव दैट आंसर टू देम. माय संडे इज माय वाइफ एंड माय चाइल्ड.
तो एंड द लिटिल बिट ऑफ अस देयर या या ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स यू गाइस आर एवरीडे फॉर मी एवरीडे आप आ रही हैं फिल्मों में कोई मतलब हां हां बहुत बड़ी फिल्म कर रही है बट वी कांट टॉक अबाउट इट राइट नाउ अभी आज यू गॉट लेट बिकॉज़ यू वर इन अ मीटिंग राइट नाउ राइट अभी भी जाना है शी फिल्म में नहीं आ रही हूं आई मीन आफ्टर सीइंग फिल्म्स लाइक दिस I would really love to do a film. I swear, I'm not kidding. Interval mein jab main uthi, I was like, man, I want to do a film like this. So it's that nice, and it's that nice for an actor more than anything. It's the kind of film an actor would want to be. Yeah, true. Yes. That's about it, I think. Yeah, no, I think. Okay. Sana aa rahi hai. Kangana Ranaut ki film mein aa rahi hai ek actress. अगर मुझे फिल्म मिल जाए नथिंग लाइक इट बट राइट नाउ आई एम नॉट यू हैव व्हाइल यू सेइंग या आवर डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स पीपल वाचिंग आउट देयर आई हैव अ बैड हेड डे सो प्लीज आ जाएंगे ये मेरा प्रेडिक्शन है देखना ये एक दिन क्या वो नजमली के समय भी हमारे से कहा कि नहीं आ रहे नहीं आ रहे तो एकदम से That's right. Deceptive. You should speak to Karan Johar. Bhai, sir, now go and watch. We are doing student of the year. Thank you. What is happening? Student of the year 16. What? Tu hai tu hai mera Sunday 16. No, student of the year. Just student of the year 16. नहीं हम सबके life में कभी ना कभी Sunday आ ही जाएगा. Yeah. And तब तक हम रोज संडे मनाएंगे बट बिफोर वी गो गाइस आई रियली वांट टू जस्ट टेल एवरीबॉडी प्लीज इट्स ट्रूली अ लवली फिल्म एवरीवन शुड प्लीज गो सीरियसली फ्रॉम द हार्ट प्लीज गो एंड वॉच इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म यस दैट नीड टू बी प्रमोटेड एंड वॉच्ड बिकॉज़ इट्स रियली अमेजिंग सो प्लीज वॉच इट थैंक यू सो मच आपकी फिल्म आएगी तो उसको मैसेज प्रमोट करेंगे दैट्स राइट प्लीज यार मैं कैसे लग रही हूं आज अच्छा लग रहा है यू गाइस फिनिश नहीं सर 940 एनी में आते सर आप लोगों के अगर फोटो होता है ना तो जल्दी में करना है प्लीज आपसे विनती है सर विनती है आपसे अनुरोध है अरे बैठो मत सर बड़े हो जाए साइड साइड
आपको वरुण सोपती का इनवाइट नहीं आया? What a brilliant time to bring this up. Yeah. Great time. Shahana Goswami invites, but Love and Faith Films presents. Tu hai mera Sunday, 6th October. 6th October. Shahana, sabhi ko kaafi jitne bhi log aaye, badi prashansa ki aapki is film ki. How did you feel film releasing and getting the appreciation? बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली. हम काफ़ी टाइम से फिल्म दिखा रहे हैं, पर इंडिया में फिल्म दिखाना, अपने लोगों को फिल्म दिखाना, इंडस्ट्री के लोगों को फिल्म दिखाना, उसमें और मज़ा आ रहा है. सबके दोस्तों को हमने दिखाया है. हम सब ऑब्वियसली इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो हमारे दोस्त भी इंडस्ट्री के हैं, तो एक दोस्त लेवल पर भी हम लोगों को फिल्म दिखा रहे हैं और एक काम के लेवल पर भी दिखा रहे हैं. काफ़ी एक्साइटेड थे सब लोग यार, अच्छी लगी सबको फिल्म. अभी तक तो जितने भी लोगों के साथ दिखे सब अच्छा ही बोलते हैं, देख के पता चल जाता सच बोल रहे हैं. आप सबको मानते हैं वरुण हमारी अरे बताया नहीं यार, पूरी फिल्म कर दी यार, रह गया. अरे यार वरुण, टीवी के दर्शक भी इस फिल्म से जुड़ेंगे, आपको मतलब काफी अच्छा अपेक्षा है आपको इस फिल्म से? हाँ, शुरू से थी यार, पर एक्चुअली अब लोग देखते हैं, जितने भी लोगों ने देखी है, हमने ऑडियंस के साथ देखी है, कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही है सबको, तो आई एम एक्सपेक्टिंग इवन मोर. ऑलरेडी इनके फैंस बाहर जहाँ पर भी हमने दिखाई है, मामी में जब दिखाई है, तो ऑलरेडी वो लोग अप्रिशिएट करना शुरू कर चुके हैं. तो जैसा आपने कहा, वो ऑडियंस तो हमेशा रहेगी, वरुण सोपती के फैंस हमेशा हमारा सपोर्ट बने रहेंगे. विशाल की भी फैंस हैं, सबके सब जुड़ जुड़ के पूरे क्यूम्युलेटिव इफेक्ट याद कर लिया अपनी बात है, क्यूम्युलेटिव इफेक्ट कलेक्शंस बनाएगा अच्छे आप, है ना? बिल्कुल. कितना कलेक्शन आप एक्सपेक्ट करेंगे? कनेक्शन से क्या लेना है, दिल के कनेक्शन, हम तो दिल के कनेक्शन बना रहे हैं, तो बस तैयारी करके आई आप एकदम. सबको फिल्म बहुत ही पसंद आई है, जहाँ भी दिखाई गई है, न्यूयॉर्क में भी. मुझे पहले लगा था कि ये सिर्फ बॉम्बे की फिल्म है और सिर्फ बॉम्बे वाले अप्रिशिएट कर पाएंगे, लेकिन हमने न्यूयॉर्क में भी दिखाई है, पूरी दुनिया में इधर उधर दिखाई है, और सबको बहुत पसंद आई है. बड़े बड़े हमारे आते हैं अभी इस वक्त फिल्म देख रहे हैं, बहुत लोगों ने फिल्म देखी है, जैसे कि रसिका ने कहा है, पूरी दुनिया भर में फिल्म हमें मौका मिला है कि हमने दिखाई है, और हम बहुत खुश हैं जो रिएक्शन हमें मिला है. बस अब एक दो दिन की बात है फिल्म आफ्टर रियल टेस्ट बिगिंस, और एक यकीन है कि एक चीज़ तो यकीन है हम सब की, थोड़ी सी घमंड के साथ माफ़ कीजिएगा कहेंगे कि फिल्म आपको बहुत पसंद आएगी. आप जब अंदर जाएंगे और जब बाहर आएंगे तो एक अलग फीलिंग होगी, जो स्माइल होगा आपके सिर्फ चेहरे पर भी नहीं लेकिन दिल पर भी एक स्माइल. आप फिल्म देखेंगे तो पता चल जाएगा कि सच बात है. यही मैं बोलना चाहूँगा, बाकी इनको ज्यादा पता है, ये कहीं रहते हैं, कहीं और कोई और भाषा बोलते हैं और किसी और भाषा में नजर आएंगे, ये तो इनसे जरा पूछ लो. और बहुत कन्विंसिंग भी नकुल भल्ला है पंजाबी, गिव देम अ ट्रीट नाउ ऑफ योर वॉइस. हां चलो, ये
या सो बेसिकली मैं देखा क्या आवाज निकली कास्टिंग बहुत अच्छी की है जिन लोगों ने की है कास्टिंग भी अनमोल और अभिषेक तो आप जो कह रहे थे वो आपको दिखेगा फिल्म में जैसे जय ने बताया हम बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि जब हमारे फिल्म को हमारे छोटी सी हमने जो कोशिश की है उसे बहुत बड़े जो कलाकार हैं आमिर खान जी देखते हैं और उसे सुनाते हैं और बिना कुछ कहे खुद ट्वीट करते हैं इसके बारे में बोलते हैं दुनिया को प्लीज़ देखिए तो ये हम सबको बहुत ही मोटिवेट करता है बहुत हमें खुशी देती है और आई होप कि आमिर खान जैसे को जैसे ये फिल्म लगी आपको भी लगे Football, Bombay, the city, everything is a backdrop. But at the end of the day, it is a film about different kinds of people living in a city and the relationships they have with each other. So that is also why it's connected, I think, to a lot of audiences outside of India as well. And I think the USP of the film is that connection, that human connect shown in a very real way through a kind of language in terms of what they're communicating, but also the actual dialogue. Which is very refreshing and real in the way it is. The mix of Hindi, English, the kind of English. हम लोगों की Indian English होती है, Bombay में अलग-अलग type की हिंदियाँ होती हैं, वो सारा इसमें है. हर community के लोग की अलग-अलग भाषा, एक अलग twang होता है, वो सब that kind of language mix is very nice. Sir, would you like to add something? Yes. What to this very question? Yes, yes. I think, as she said, the story in the script is the USP of the film. I think. Long time we have an ensemble cast, which is the USP of this film. The various characters, they have their own storyline and how it all comes together in the film. I think that's the music of the film. The music is fantastic. Yes. The music of the film is very, very nice. USP. So I think all of us coming together doing the film. और हम जैसे लोग हैं सर एक साथ मिलकर काम करें तो माशाल्लाह क्या फिल्म है. Honestly मैं सबको ये बोलना चाहूँगी ये जो भी हम बोल रहे हैं ना इसका पैसा पर पैसा आपको समझ में आएगा जब आप फिल्म देखेंगे क्योंकि ये चीज़ हर कोई बोलता है और एक तरह का एक वो नॉइज है जो कान में आता रहता है लेकिन फिल्म का जो फीलिंग है ना वो आप जब देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा. वरुण और शाना क्योंकि शाना तो आजकल इंडिया में रहती नहीं तो मिलती नहीं है तो शाना और कुछ काम करती रहेंगे दिखाती रहेंगे हम लोगों को या फिर पेरिस में जाके बसना है. नहीं नहीं मैं हर जगह मैं ग्लोबल सिटीजन हूँ तो नहीं इंडिया में भी और काम करने की उम्मीद है चाहे मैं अभी सीक्रेट गेम्स जो सीरीज़ है वो भी कर रही हूँ एक और मेरी फिल्म रिलीज़ होगी मामी में दिखाई जाएगी उसके बाद और भी काम होपफुली इस फिल्म के बाद और अलग तरह का काम मिलता रहेगा. वो परेशान है हर महीने उनसे मुलाकात नहीं हो रही है. वरुण इट्स अवे फ्रॉम टीवी नाउ एंड ओनली फिल्म्स या क्या? आई हैव नो आईडिया. आगे क्या? आई हैव नो आईडिया और आई विल टेक इट हाउ इट कम जैसे जैसे पता चलेगा आगे क्या होता है क्या नहीं. भाई अच्छा काम जहाँ भी मिल जाए जहाँ अच्छा काम मिलेगा और मैं कहूँगा टीवी वेब मूवीज वगैरह रोल अच्छा रियलिटी शो में एक्टिंग का रोल काम की बात मेरे को कौन देखना था ज्यादा एक्टिंग होती है भाई रियलिस्टिक एनी टीवी शो इन द पाइपलाइन नॉट राइट नाउ फिल्म वन फिल्म या गोना बी कमिंग आउट अर्ली इन नेक्स्ट ईयर 22 इयर्स. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू फॉर कमिंग स्माइल एंड यू कैन बी अपर टू है मेरा संडे 6 अक्टूबर यस टू है मेरा संडे 6 अक्टूबर दिस फ्राइडे. Yeah, just Friday. Yeah. Right, yeah. One, two, three. Tu hai mera Sunday. This Friday. This Friday. Yeah. Thank you for the approval, sir. Thank you. आप कैमरा से जो चेकआउट मार रहे हो ना सबके मन की बात पकड़ लिया. हमने एक नया वीडियो देखा वो वाला. अब आपने देखा है उनका लुक. इट वॉज
इट वॉज अ लॉट ऑफ फन डिजाइनिंग इट, लेकिन मुश्किल भी था क्योंकि कितना हम उसको पुश कर सकते थे. मैं काफ़ी कंजर्वेटिव साइड पे जा रही थी कि कह रही थी कि ओ इट्स टू चीप, इट्स टेरेबल, वी कैन डू दिस, वी कैन डू दैट. लेकिन जितना उन लोग और ट्राई कर रहे थे और भी मज़ा आ रहा था कैरेक्टर में, और भी वो यू नो जूस आ रहा था. तो वी वर ऑल हैविंग अ ग्रेट टाइम डिजाइनिंग द किरण का थॉट्स का भी जो लुक है वो भी काफ़ी अप्रिशिएट किया गया है जो सेट पे से हुआ था फोटो. एंड वी हर आमिर वाज अपसेट सेट पे फोटो वर्ड लीक लाइक दैट. नो नो, आमिर इज इन बॉदर्ड अबाउट थिंग्स लाइक दैट, ही वाज इन बॉदर्ड. बट आपका क्या कहना उनके लुक के बारे में? एवरीवन आई लव हिज लुक, आई लव अमित जी इज लुक, फातिमा. एक्चुअली इट्स अ पीरियड फिल्म तो लुक में बहुत मज़ा लिया है सबने, मज़ा आता है एक्चुअली वो फिल्म में. सारे लुक्स सबके एक्चुअली, बाकी एक्टर्स के भी बहुत इंटरेस्टिंग है. अब आप लोग संडे के बारे में कुछ कहिए, नहीं तो हम चले. जी मोनिका बेलुची आ रही हैं, शी इज़ बीइंग गिवन अ स्पेशल अवार्ड फॉर वुमेन दैट वी आर इंस्टीट्यूटिंग दिस ईयर. तो वी आर वेरी एक्साइटेड, आई मीन वो दुनिया की इतनी जानी मानी एक्ट्रेस हैं, पर्सनैलिटी हैं, तो वी आर मोस्ट डिलाइटेड टू बी होस्टिंग हर. बस किरण, आप गा तो चुकी हैं एक बार. हाँ जी, पानी फाउंडेशन के लिए. हाँ. तो आप स्क्रीन पे गवाएंगे? स्क्रीन पे नहीं, अभी कोई इंटेंशन नहीं है. अभी मैं अपना फिल्म बनाना चाहती हूँ, बहुत साल हो गए फिल्म लिख के और बना के. तो अब होपफुली अब अभी लिखने का भी मौका मिलेगा ये सुपरस्टार के बाद, थोड़े हमें भी थोड़ी आराम मिलेगी और मैं लिख के अपना फिल्म बनाना चाहती हूँ. थैंक यू. अ लॉट ऑफ विशेज, मुझे इस फिल्म देखने में बहुत दिलचस्पी है. मैं बहुत एक्चुअली एक साल से देखने की कोशिश कर रही हूँ, पर हर बार स्क्रीनिंग्स मिस हो जाते थे और मैं यू नो देख नहीं पाती थी. तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. बहुत क्यूट लगता है फिल्म, बहुत हार्ट वार्मिंग और स्वीट फिल्म लगती है, और एक्टर्स को मैं पहचानती हूँ. और आई वॉन्ट टू विश ऑल ऑफ देम अ लॉट ऑफ लक, दे आर गोइंग आउट टू द सिनेमाज, आई होप पीपल सपोर्ट देम. मामी में भी ये फिल्म थी पिछले साल. It's I'm sure people won't be disappointed. Thank you.